Air Vice Marshal, ab Air Marshal, Bipin Bihari Prasad Sinha. Air Vice Marshal Dattatre Keshav Pandey, Vishesh Seva Medal. Air Vice Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria, Vayu Sena Medal. Air Vice Marshal Sardar Harpal Singh, Vayu Sena Medal. Air Commodore Manvendra Singh, Veer Chakra Vishesh Seva Medal. Air Commodore Ashwini Kumar Nab, Vayu Sena Medal. Air Commodore Rajendra Nalsingh Rao Gayakwad, Vishesh Seva Medal. Air Commodore Radha Krishnan Radhish, Vayu Sena Medal. Subedar Major Vijay Kumar, Sena Medal. शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा 13वीं बटालियन सिख रेजिमेंट
19 फरवरी 2011 को 3 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा के नेतृत्व वाली एक गश्त पार्टी ने असम के गोलपाड़ा ज़िले में आतंकवादियों के एक समूह की गतिविधि के बारे में पता लगाया। इन्होंने आतंकवादी हलचल पर गश्त को पुनः समायोजित किया और सुव्यवस्थित घात लगाने की जमीन तैयार की। उत्कृष्ट फील्ड क्राफ्ट और कड़े फायर अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए इन्होंने आतंकवादियों को मारक क्षेत्र में घुसने दिया और उनको चुनौती दी। जब आतंकवादियों ने इनकी टीम के सदस्य को निशाना बनाकर फायर किया तो इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह ना करते हुए प्रभावपूर्ण गोलीबारी कर 2 आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया और अपने साथियों की जान बचाई। लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में उत्कृष्ट नेतृत्व, कुशाग्रता और असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल ध्रुवज्योति चंदा। लेफ्टिनेंट अब कैप्टन सत्यजीत अहलावत, सेना आयुक्त कोर 9वीं बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री। मेघालय के पूर्वी गारो पहाड़ियों के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों के एक समूह की हलचल के संबंध में सूचना पर लेफ्टिनेंट सत्यजीत अहलावत के नेतृत्व वाली एक टीम ने 18 जून 2011 को 1:15 बजे सामान्य क्षेत्र गरीसिमरन में एक खोजी अभियान शुरू किया। आतंकवादी समूह ने टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट सत्यजीत अहलावत ने स्थिति का बड़ी तेजी से आंकलन किया और धैर्य और कुशाग्रता का परिचय देते हुए रेंग कर आतंकवादियों के नज़दीक पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप 4 बजे 2 आतंकवादियों का सफाया हो गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काम कर रहे एक आतंकवादी समूह के महासचिव और उसके गनमैन के रूप में की गई, जो मेघालय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ घात लगाकर हमला करने में शामिल थे। लेफ्टिनेंट सत्यजीत अहलावत ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में असाधारण बहादुरी और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। कैप्टन सत्यजीत अहलावत। मेजर प्रदीप मिश्रा, जाट रेजिमेंट 5वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। अक्टूबर 2011 को जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले के एक जंगल में 3 खूंखार आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना पर मेजर प्रदीप मिश्रा 7 अन्य रैंकों की टीम के साथ आगे बढ़े। जैसे ही ये आतंकवादियों के नज़दीक पहुंचे, तो इन पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई। इन्होंने जवाबी हमला किया और उनका मुँह तोड़ जवाब दिया। भारी गोलीबारी के दौरान टीम की तरफ भाग कर आ रहे एक आतंकवादी को पकड़ लिया गया। अन्य 2 आतंकवादियों ने भागने की और ओझल होने की कोशिश की। आतंकवादियों का इस टीम द्वारा पीछा किया गया और रास्ते में ही एक आतंकवादी को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी ने छिपने की कोशिश की। ये उस जगह तक रेंगते हुए गए और छुपे हुए खूंखार आतंकवादी को नज़दीक से मार गिराया। मेजर प्रदीप मिश्रा ने आतंकवादियों से लड़ते हुए कुशाग्रता, चतुराई और असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। मेजर प्रदीप मिश्रा। मेजर हिमांशु पवार, 26वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री। मेजर हिमांशु पवार के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के लोहित ज़िले के एक गांव में 16 नवंबर 2011 की रात को एक घेराबंदी और खोज अभियान शुरू किया गया। इन्होंने संदिग्ध घर की प्रभावशाली घेराबंदी करने के बाद चतुराई से घर के सभी सदस्यों को बाहर निकाला और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। आत्मसमर्पण करने के बजाय आतंकवादियों ने भागने की कोशिश करते हुए इन पर अप्रत्याशित गोलीबारी शुरू कर दी। इन्होंने भारी गोलीबारी में निडरतापूर्वक और अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए आतंकवादियों पर भारी और सटीक गोलीबारी की, जिससे घटनास्थल पर ही 2 आतंकवादी मारे गए।
मेजर हिमांशु पवार ने आतंकवादियों से लड़ते हुए उत्कृष्ट बहादुरी, अनुकरणीय नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। मेजर हिमांशु पवार। मेजर संदीप कुमार, 13वीं बटालियन सिख रेजिमेंट। दो अप्रैल 2012 को लगभग 1 बजे असम के गोलपारा जिले में एक तलाशी अभियान के दौरान गांव के बाहर सुनसान इमारत के अंदर हलचल देखी गई। मेजर संदीप कुमार ने अनुकरणीय नेतृत्व और कार्य कुशल कुशाग्रता का परिचय देते हुए घेराबंदी करने के लिए तत्काल अपनी सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया और ये सुनिश्चित किया कि भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चुनौती मिलने पर छिपे हुए आतंकवादियों ने इमारत के अंदर से टुकड़ियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। मेजर संदीप कुमार रेंगकर इमारत के पास पहुंचे और आतंकवादियों को समर्पण करने के लिए चेतावनी दी, परंतु उन्होंने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी सूझबूझ से तत्काल आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए इन्होंने उस इमारत के बाईं ओर से गोलीबारी करने का आदेश दिया। गोलीबारी में फंसने के बावजूद भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए इन्होंने नज़दीक से 2 आतंकवादियों को सफाया कर दिया। मेजर संदीप कुमार ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए उत्कृष्ट वीरता और असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया। मेजर संदीप कुमार। हवलदार चरणजीत सिंह, तोपखाना रेजिमेंट, 30वीं बटालियन राष्ट्र राइफल। अप्रैल 2012 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित जंगल में आतंकवादी के छुपने के स्थान पर धावे के दौरान हवलदार चरणजीत सिंह अपने साथियों के साथ गुप्त रूप से छुपने के स्थान की तरफ आगे बढ़े। इन्होंने देखा कि 2 आतंकवादी संतरी की ड्यूटी पर हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर उन्होंने 5 मीटर की दूरी से रेंगते हुए आतंकवादी के पास पहुंचकर गोली दाग दी। घायल आतंकवादी ने स्वचालित आग्नेयास्त्र से उसके साथी को छलनी कर दिया। अपने साथी को खतरे में जानकर अपने मोर्चे से बाहर आए और घायल आतंकवादी पर गोलियों की बौछार कर दी। आमने सामने की गोलीबारी में अतुलनीय और अत्यंत निर्भीकता से आतंकवादी को मार गिराया। तत्काल ही दूसरे आतंकवादी की तरफ से की जा रही भीषण गोलीबारी में घिरने के बाद इन्होंने शांति और तत्क्षण बुद्धि कायम रखते हुए घटनास्थल पर ही दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। हवलदार चरणजीत सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में असाधारण नेतृत्व और अदम्य साहस का परिचय दिया। हवलदार चरणजीत सिंह। मेजर अब लेफ्टिनेंट कर्नल अमित मोहिंद्रा, 666 सेना विमानन स्क्वाड्रन, टोही और निरीक्षण। मई 2012 को 11 बजे मेजर अमित मोहिंद्रा ने कैप्टन के रूप में एक वायु अनुरक्षण मिशन में जम्मू कश्मीर के लेह जिले में सियाचिन ग्लेशियर की जमी हुई सीमांत सरहद पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वायु अनुरक्षित चौकी पर तैनात सैन्य दल की सहायता के लिए उड़ान भरी। प्रतिकूल वातावरण के बावजूद सफलतापूर्वक उस चौकी पर अत्यावश्यक संभारी की आपूर्तियां पहुंचाई। ऐसा करते हुए इन्होंने सर्वाधिक कठिन और असुविधाजनक क्षेत्र में उच्च कोटि की उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। सैन्य दलों की सहायता करने और सफलतापूर्वक मिशन को पूरा करने के बाद वापसी के समय हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनको गंभीर चोटें आईं। तैनात सैनिकों की सहायता के लिए इन्होंने अत्यंत कठिन क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अदम्य साहस और पेशेवर कुशलता का परिचय दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल अमित मोहिंद्रा।
नायक कृष्ण कुमार ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप मरणोपरांत। नायक कृष्ण कुमार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के एसीडी बुनगना में भीषण आग जो उस क्षेत्र के नागरिकों के जनजीवन एवं संपत्ति के लिए चुनौती थी उसे रोकने और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए 5 जुलाई 2012 को त्वरित कार्रवाई बल के हिस्सा थे। शाम के 6 बजे विद्रोहियों ने उस स्थान को अत्यंत प्रभावी आग की चपेट में पहुंचा दिया और आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। भयभीत हुए बिना उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और विद्रोहियों को जनसंख्या वाले स्थान पर पहुंचने से रोकने के लिए अपना अभियान जारी रखा। स्थिति का तत्काल जायजा लेने और उनके द्वारा मुकाबला करने से विद्रोहियों को आगे बढ़ने में न केवल विलंब हुआ बल्कि उन्होंने अपने साथियों को डटे रहने के लिए भी प्रेरित किया। रात के 8:15 बजे नायक कृष्ण कुमार को एक गोली लगी और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से अपनी आखिरी सांस तक मोर्चा संभाले रखा। नायक कृष्ण कुमार ने विद्रोहियों का सामना करते हुए दृढ़ साहस उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया और विद्रोहियों का सामना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नायक कृष्ण कुमार की पत्नी श्रीमती मुकेश देवी। सूबेदार प्रदीप बेक बिहार रेजिमेंट 24वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। नौ जुलाई 2012 को जम्मू कश्मीर के गंदरबल गांव में एक कट्टर आतंकवादी की उपस्थिति की सूचना मिलने पर सूबेदार प्रदीप बेक ने फौरन गश्त दल का नेतृत्व किया और संदिग्ध मकान के आसपास घेराबंदी की। भोर होते ही आतंकवादी घर से बाहर आ गया। चुनौती देने पर आतंकवादी ने पुनः मकान में प्रवेश करने की कोशिश की और तैनात दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सूबेदार प्रदीप बेक ने अपने दल को जोखिम में देख तत्काल कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया और आतंकवादी का 50 मीटर तक पीछा कर सटीक गोलीबारी करके उसे मार गिराया। सूबेदार प्रदीप बेक ने युक्तिसंगत चतुराई का परिचय देते हुए और व्यक्तिगत सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान न रखते हुए आतंकवादी की गोलीबारी का सामने से मुकाबला किया। सूबेदार प्रदीप बेक ने आतंकवादियों का सामना करने में प्रेरणादायक नेतृत्व और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। सूबेदार प्रदीप बेक। कैप्टन ए राहुल रमेश इंजीनियर्स कोर 72वीं सड़क निर्माण कंपनी मरणोपरांत। तीन और 4 अगस्त 2012 को उत्तरकाशी उत्तराखंड के सामान्य क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न हुई दरारों को भरने के लिए 72 सड़क निर्माण कंपनी के कैप्टन ए राहुल रमेश को सड़क खोलने का जोखिमपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए तैनात किया गया। 14 अगस्त 2012 को लगभग 7 बजे कैप्टन ए राहुल रमेश ब्रिज पार्टी कमांडर होने के नाते धारसू गंगोत्री सड़क पर सवारीगढ़ स्थित 110 फीट लंबे ट्रिपल सिंगल बैली पुल का निर्माण करने के लिए निकल पड़े। पुल को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। 2:30 बजे होम बैंक का पहाड़ी हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। जब पुल का कुछ हिस्सा नीचे गिरा तो कैप्टन ए राहुल रमेश ने ड्राइवर्स को जो रोलर्स पर कार्य कर रहा था सुरक्षित स्थान पर धक्का दिया और वो रोलर्स को जाम करने के लिए ओपी पिन के साथ अकेले ही आगे बढ़े जिससे कि पुल को नाले में गिरने से रोका जा सके। उन्होंने अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए। तथापि थोड़े ही समय में दोबारा भूस्खलन होने के कारण पुल पर एक बड़ा शिलाखंड आ गिरा और पुल रोलर पर से हट गया और दरार में खिसक गया। कैप्टन ए राहुल रमेश पुल की एक शहतीर में फंस गए और अपने साथियों का जीवन बचा